सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए जो SOP है आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट का, आज मैं आप लोग के लिए जो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल है वो जो 5th क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ विद एक्सप्लेनेशन। हम लोग हैंड इन हैंड बाय हैंड करेंगे, कंटिन्यूइंग विद द कोड प्रिंसिपल्स, कैसे कोड करेंगे हम लोग उसको जैसा क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ, स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोल दूंगा मैं एक ही बार फिर से। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल का जो 5th क्वेश्चन है, यूज ऑफ ऑडियो ऑन वेब पेजेस यूजिंग HTML5, ठीक है, ये इसका हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे विद हैंड इन हैंड विद कोडिंग ऑल्सो, ठीक है। कोड करके उसका आउटपुट, उसका डीबगिंग वगैरह सब चेक कर लेंगे, ओके। सो पूरा वीडियो को देखिए आप लोग, स्किप मत करिए, नहीं तो समझेगा नहीं। मैं समझाऊंगा बीच बीच में क्या है कोडिंग, कैसा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं कोड सेगमेंट्स को। एंड फिर से मैं एक बात बोलूँगा, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हो तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब के बाजू में जो है आपको, बिकॉज ये करोगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है बेसिकली आपको मिलता रहेगा मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ के, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, बट शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को क्योंकि उनको भी हेल्प आउट हो सके। एंड कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट्स करना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रिएट अ वेब पेज नेम्ड audio.html टू सेट एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज विद कंट्रोल्स सच एज इट यूजेस HTML5 एलिमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल्स रहना मांगता है उसे, ऐसा ऑडियो फाइल लेना है अपने को, ओके। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें जाएंगे सबलाइम टेक्स्ट में, ठीक है। आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है या फिर आप लोग अपने इसमें जो आपका नोटपैड एडिटर है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ बिकॉज ब्लैक कलर स्क्रीन है, आइस को स्ट्रेन नहीं पड़ता मेरे, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग भी करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नोटपैड एडिटर वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या है, और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है या यूसेज के बारे में या डाउनलोडिंग कैसे करना है इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आई बटन में ऊपर या डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी सबसे पहला ये यूज़ कर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से कैसे सेव करते हैं हम लोग, अभी देखो नाम इसका दे देंगे हम लोग audio.html, क्योंकि उसने क्या बोला है, उन्होंने बेसिकली ऑडियो, इधर देखें तो हम लोग क्या बोला है, ऑडियो फाइल विथ, ओके, तो audio.html यहाँ पे बोला है, फाइल नेम audio.html। सो इसका नाम देंगे हम लोग audio.html, ठीक है। तो सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अभी क्या करूँगा मैं, एच जैसे ही करूँगा वैसे अपने आप आ जाएगा। पर स्टूडेंट्स ये हमेशा ऐसा शॉर्टकट मारना अच्छी बात नहीं है, आप लोग को याद रखना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बेसिक 11th 12th लेवल में ठीक है, पर डिग्री में ये सब आपको इसके मार्क्स नहीं रहेंगे। अभी कैसा है थोड़ा बेयर करके, हाँ चलो बिगिनर लेवल्स हो आप लोग इसलिए वो कंसिडर कर लेंगे, पर आगे जाके नहीं करेंगे, आगे आपको अच्छे से आना चाहिए। और अभी ये सीखोगे बेसिक तभी तो आप लिख पाओगे ना ऐसा, ठीक है। तो ये छोड़ना नहीं है इसको आपको। तो अभी यहाँ पर मैं ऑडियो फाइल डेमो लिख लेता हूँ, ऐसी ऐसा कुछ बोला नहीं है पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एज अ टाइटल देने के लिए। अभी यहाँ पे हाँ क्वेश्चन क्या दिया है आपका यहाँ पे, बेसिकली हाँ, द ऑडियो फाइल मस्ट प्ले एज सून एज द वेब पेज लोड्स इन ब्राउजर, ठीक है। तो ऑडियो फाइल तो सबसे पहले लेना पड़ेगा, सेट अ ऑडियो फाइल कंट्रोल के साथ। तो ऑडियो के लिए मैं क्या करूँगा, ए ऑडियो ऑडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो आपका क्या है, कंट्रोल्स रहना चाहिए, जैसे कि प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम्स बटन, वो सब, तो वो लिया। फिर क्या बोला है, मस्ट प्ले एस वेब पेज लोड होता है जैसे, मतलब क्या हो गया ये ऑटो प्ले फंडा, ठीक है, ऑटो प्ले ले लिया हमने। अभी क्या करेंगे हम लोग को, ऑटो प्ले बोला है, फिर स्टार्ट ओवर एंड अगेन एंड अगेन एवरी टाइम इट कम्प्लीटेड, ये मैं बताता हूँ। अभी पहले तो हम लोग ये अपलोड करवा लेते हैं ऑडियो फाइल को, तो उसके लिए हम लोग सोर्स लेंगे, सोर्स आपका फाइल का नाम है, तो उसके लिए मैं फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल का नाम मैं लूँगा यहाँ से एकॉस्टिक ब्रेस करके, इसको रीनेम करूँगा और कॉपी कर लूँगा, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे MP3 फाइल, OGG फाइल और वेव फाइल तीनों फॉर्मेट के हैं यहाँ पे। तीनों फॉर्मेट क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बताता हूँ, इसके पूछा है इसी में, ठीक है।
तो .mp3 हम लोग ले लेते हैं, ओके, और टाइप दे देंगे हम लोग audio/mp3, ओके। सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसका क्लोज कर देंगे ऑडियो को भी, ओके, और इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये अपना लोड हो रहा है क्या, देखते हैं हम लोग, चेकआउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टैग मैंने क्लोज़ किया ऑडियो का यहाँ पे, पर ऑडियो का करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार क्लोज़ किया हुआ है, तो क्यों ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, जाके रन करेंगे, ये है आपका ऑडियो फाइल, तो इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका, ओके। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विथ, यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, ठीक है। तो अभी देखो ये चालू हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, हो जाएगा अभी चालू, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दिया हुआ है ऑटो प्ले, ठीक है ना। अभी ये हो रहा है, देखो हो गया चालू, ठीक है, अपने आप चालू हो गया ये, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को देना है कुछ, चलो अभी ऑटो प्ले हो रहा है क्या नहीं देखते हैं हम लोग, रुको एक मिनट, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, हाँ, इसमें क्या बोला है, रिपीट होना चाहिए करके बोला है, बराबर, यहाँ पे ये रिपीट होना चाहिए, स्टार्ट ओवर एंड अगेन व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, लूप लेंगे, लूप इज इक्वल टू -1, मतलब आपका क्या है, ये इनडेफिनेट में रन करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग हो रहा है क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो देखो यहाँ पे आ गया, अभी एंड में आता हूँ, तो देखो ख़त्म होते होते, आवाज़ बढ़ा देता हूँ, ख़त्म हुआ, अभी रिपीट होना चाहिए, देखो फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, अपने आप रिपीट हो गया, फिर से देखते हैं, ठीक है। तो देखा फिर से रिपीट हो गया, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या कर दें, इसको थोड़ा सा ये दे देते, एक टेक्स्ट दे देते, वैसे यू कैन से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बीच में हम लोग लिख देते हैं कुछ तो, ताकि एक प्रॉपर लगना चाहिए, ऑडियो फाइल डेमो, ठीक है। तो देखो ये आ गया, ठीक है, एक टेक्स्ट आ गया अपने को, ओके। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको पॉज कर देता हूँ। सो ये हो गया अपना, अभी मैं कंट्रोल एन करूँगा, क्यों, क्योंकि दे हैड सेड क्रिएट अनदर वेब पेज, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, क्रिएट अनदर वेब पेज दैट इज नेम्ड audio1.html विच प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट्स ऑफ द सेम ऑडियो फाइल, मतलब यही वाला ऑडियो फाइल हमको लेना है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम ऑडियो फाइल प्ले कर रहा है, साउंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक होना चाहिए, कंट्रोल्स भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना देख लेते फटाफट, तो इसके लिए इसको सेव करना पड़ेगा, किससे सेव करना पड़ेगा, audio1.html, तो audio1.html किया मैंने सेव, हो गया। अब फिर से वही सेम अपना html लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ audio demo1, कुछ भी डाल दो चलो, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक चाहिए तो हेडिंग ले लूँगा, ऑडियो फाइल डेमो 2 वाला, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे h1 लेके। अब क्या करूँगा मैं, अभी अपना मेन फाइल ऑडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो ले रहा हूँ यहाँ पे, ऑडियो में क्या चाहिए, कंट्रोल्स चाहिए था जैसे कि बोला है उन्होंने, ये एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं दूंगा, इसका एट्रीब्यूट्स का मैं वैल्यू नहीं दूंगा कुछ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लेता हूँ। तो कंट्रोल्स हो गया ऑटोमेटिकली, तो ऑटो प्ले भी होना चाहिए, ऑटो प्ले हो गया। अभी बचता है अपना क्या, फाइल लेना है अपने को, ठीक है, फिर डिस्प्ले होना चाहिए ब्राउज़र में मैसेज विद अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट व्हेन ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउज़र, ठीक है। जब ये ऑडियो फाइल सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र में, वो वाला करेंगे। तो सबसे पहले फाइल तो ले लेते हैं,
दैट इज सोर्स फाइल लिया, सोर्स क्या है आपका, फिर से यही वाला लेंगे हम लोग, सेम बोला है ना, ऑडियो वन से उठाएंगे ये वाला और ये MP3 ले लेंगे इधर और पेस्ट कर देंगे, सॉरी इसी में पेस्ट कर देंगे, ओके। और ये कौन सा टाइप है, ऑडियो स्लैश MP3, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर देखो, कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट साउंड फाइल फॉर्मेट्स वेव MP3 और OGG, तो ये लिया मैंने, ठीक है, ये लेके मैं रन करके देखता हूँ रन हो रहा है कि नहीं। सो फॉर दिस अभी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, इधर जाके STDocs में जाऊँगा, ये है ऑडियो वन। तो बेसिकली इसमें नहीं, मैं क्या करूँगा, कर सकते हो आप वैसा कुछ नहीं, बट माइक्रोसॉफ्ट एज में ही कर रहे थे तो उसमें देखो ये ओपन हो गया, ऑटो प्ले हो गया ये, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया था, लूप नहीं लिया, इसलिए देखो स्टॉप हो गया ये, देखा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें रिपीट करने नहीं बोला है उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप नहीं लिया तो स्टॉप हो गया वो, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग का क्या बचता है, अभी ये हो गया, अभी दूसरा फाइल फॉर्मेट लेना है हम लोग को यहाँ पे, तो देखते हैं, हाँ दूसरा फाइल फॉर्मेट क्या कौन सा है, MP3 OGG लेना है, तो टेस्ट करके देखते हैं हम लोग OGG क्यों, सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ C और V, ठीक है, और ये मैं क्या करूँगा OGG दे दूँगा, OGG फाइल फॉर्मेट, इधर भी क्या आ जाएगा फिर OGG एक्सटेंशन कंसिडर करेगा वो। अब ये फाइल है कि नहीं वो चेकआउट करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है, देखो ये है, ये फाइल दिख रहा है आपको, देखो इधर OGG फॉर्मेट दिया हुआ है, ओके सेम फाइल है मैं OGG टाइप क्या है, OGG फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको प्ले करूँगा, ठीक है, तो जाते हैं हम लोग, और इसको चाहिए तो कमेंट कर दूँगा, ये कमेंट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन फिर डबल डॉट्स सॉरी हाइफन, फिर ये एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर अभी ये सिर्फ यही रन करवाना है आप लोग को, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, इसके लिए मेरे को एरर मैसेज देना है, अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो एरर मैसेज दैट ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउज़र, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा लिया है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं इधर, योर ऑडियो फाइल नॉट सपोर्टेड इन दिस ब्राउज़र, ठीक है, ये ऐसा एरर आना चाहिए, देखते हैं अभी रन करके। तो हाँ इसमें आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो रिफ्रेश करने से क्या हो गया, ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो दिखाया था आपने को 2 में, ये देखो द टाइप ऑफ दिस ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। अभी हम लोग इसको दूसरा इसमें चेक कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इसको फॉर एग्ज़ाम्पल फायरफॉक्स में ओपन करते हैं, किधर गया, हाँ एक मिनट, ये फाइल किधर है, हाँ इधर, तो इसको ओपन राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, ओके, तो क्रोम करेंगे चाहिए तो देखो क्रोम में ओपन हो रहा है ये, और दूसरा ओपन विद यू कैन से नेटस्केप नेविगेटर, तो देखो यहाँ पे आ रहा है योर फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड इन दिस ब्राउजर, ठीक है ना, पहला वाला देखा वो किया था। अभी हम लोग देखते हैं एक और में, ओपन विद, फिर ये हो गया था फायरफॉक्स देखते हैं, ठीक है, तो देखो फायरफॉक्स में आ गया बट प्ले नहीं हो रहा इधर, ठीक है, ये तो OGG फाइल फॉर्मेट था, एक मिनट इसको अलाउ करता हूँ, अलाउ, ठीक है ना, अलाउ कर दिया मैंने, अभी प्ले करवाता हूँ इसको, नहीं हो रहा है प्ले, ठीक है नहीं हो रहा है। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्रोम में हुआ है क्या देखते हैं हम लोग, इसमें तो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं डॉट वेव फाइल हो रहा है क्या, ठीक है, डॉट वेव फाइल है, देखो ये डॉट वेव फाइल है अपने पास, सेम वही सिर्फ डॉट वेव एक्सटेंशन आपको करना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, सेम यही फाइल लूँगा, सी
चलो इसी में मैं एडिट कर देता हूँ डॉट वेव फाइल, ठीक है, डॉट वेव फाइल। तो ये डॉट वेव फाइल, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको रन करते हैं इसमें, तो इसमें तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग तीनों भी ले लेंगे, ठीक है, तीनों फाइल फॉर्मेट्स लेंगे। यहाँ पे ये है डॉट वेव, तो डॉट mp3, ठीक है। दैट मीन्स ओके किया ये हम लोगों ने, अभी ये वेव को mp3 कर देंगे, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम लोग सब ब्राउजर्स में, ओके हाँ, तो यहाँ पे अभी जाते हैं हम लोग ओपन विथ फायरफॉक्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया, बिकॉज क्यों पहले ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा था फाइल फॉर्मेट, तीनों फाइल फॉर्मेट ये मैंने यहाँ पे तीनों ले लिया है mp3, ठीक है। तीनों फाइल फॉर्मेट लेके अभी चेक करते हैं हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ओपन करेंगे हम लोग ओपन विथ, पहले तो फायरफॉक्स, देखो फायरफॉक्स में ओपन हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में आपका आ गया ये ऑडियो फाइल ओपन विथ क्रोम, ठीक है, क्रोम में भी ओपन हो रहा है। उसके बाद हमारा यू कैन चेक इट आउट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में एरर बता रहे हैं, फिर भी अलाउ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट कर रहा है अभी, क्यों, क्योंकि mp3 फाइल लिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर ये वाला लेते हैं और ओपन करते हैं। अभी नेटस्केप नेविगेटर, तो देखो नेटस्केप नेविगेटर में स्टिल शो कर रहा है, प्ले नहीं कर पा रहा, ऑडियो फाइल नॉट सपोर्ट लेकर, ठीक है। तो यही था सब डिफरेंट ब्राउजर्स में स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को इसमें करवा दिया, ठीक है। तो होप सो आपको समझा रहेगा, तो यही आपको करना है इसमें, ठीक है। डिफरेंट जैसे फर्स्ट इसमें किया हम लोगों ने ये करके, बाद में उसको दूसरे mp3 वेव और ogg फाइल्स फॉर्मेट दे तीसरे फॉर्मेट में लेके उसको लेआउट करना है आप लोग को, ठीक है। सो ये वीडियो में इतना ही, सो हम लोग नेक्स्ट में अपलोड करूँगा SOP, ठीक है। सो टिल देन स्टे कंटिन्यूड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो अगर अच्छे लगे तो वीडियो, एंड सब्सक्राइब लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।